नमिता। अच्छा घर कहाँ है? मारा। कौन सा जिले में रहते हो? इधर रहती हूँ। कहाँ पे? बता दो घर छोड़ के आना आपको। बताओ घर जाना है ना? ना जाना। क्यों? यार आना। यही रहेंगे हमारे पास? मेरे पास रहोगे? क्यों, मैं अच्छी लगी हूँ? माता भी यही। आप यहाँ कैसे आ गए? यहाँ कैसे आ गए? गाड़ी से आया, दूल्हा ले। गाड़ी से? ट्रेन में आए? नहीं, बस में। मुझे टैक्सी से आया। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दर्पण और आप देख रहे हैं अब इन 24 न्यूज़। दोस्तों तस्वीरों में आप देख सकते हैं अपना आशियाना आश्रम की तस्वीरें, जहां पर SHO सिविल लाइन भी देख सकते हैं। यहां पर पहुंचती है गाड़ी और साथ साथ एक महिला आप देख पा रहे हैं तस्वीरों में, जो अपना आशियाना आश्रम में लाई गई है। बता रहे वन स्टॉप सेंटर में इसे कुछ दिन से रखा गया था, लेकिन उसके बाद जो है बता दें करनाल के ही मॉडल टाउन में ये महिला मिलती है। अभी सभी जो दर्शक आई बिन 24 के लगातार जो है ऐसी वीडियोज़ आप सबके सामने लाते हैं, ताकि ऐसे लोगों को उनके घर तक पहुंचाया जा सके। फिलहाल महिला जो है बता रहे कुछ बता नहीं रही है, और यहां पर जो है देख सकते हैं मौके पर जो अधिकारी हैं वो भी पहुंचे हुए हैं। सबसे पहले अपना आशियाना आश्रम से राजकुमार जी हैं, उनसे बात करेंगे। सर क्या कुछ बताएंगे जो है अभी अभी महिला को लाया गया है, कहाँ से महिला? सर ये एक बिहार से महिला है, ये अपना नाम नमिता बता रही है, और हमारे पास हेड कांस्टेबल पूनम जी हैं जो थाना सिविल लाइन एरिया से हैं, वो लेकर इनको आए हैं यहाँ पर। और ये अपने पति का नाम सागर और बिहार की बता रही है, ना तो गांव बता पा रही है ना कुछ है। बोला कैसे आई है, कभी गाड़ी से आई हूँ। तो 4-5 दिन पहले ये मॉडल टाउन से 12 सेक्टर वाली रोड के ऊपर ये घूमती पाई गई, तब डायल 112 ने के पास किसी का फ़ोन आया, उन्हें दुर्गा शक्ति को बुलवा कर इसको वन स्टॉप सेंटर पर छोड़ दिया। वन स्टॉप सेंटर के बाद अब ये हमारे पास साथ जो लेडी कांस्टेबल हैं, हेड कांस्टेबल हैं हमारे साथ पूनम जी, वो इनको लेके आए हैं तो और अपना आशियाना में आश्रम में छोड़ा, और आपके माध्यम से अब ये प्रयास किया जा रहा है कि इसको इसका घर परिवार मिले। और आपके व्यूअर्स और फॉलोअर्स से ये अपील करते हैं कि जो भी कोई पर्सन बिहार का पर्टिकुलरली इनको जानता हो या इसको पहचानता हो, इसके एरिया को पहचानता हो, आप इनसे भी बात करके थोड़ा सा गांव का पता लगाएं, इसकी भाषा को जानते हुए वो कोई बिहार के जो व्यक्ति है, भाषा बोल रही है ये बिहार की ही भाषा बोल रहे हैं। नाम क्या बताया इन्होंने? नाम इन्होंने नमिता बताया अपना। नमिता एक बार बात करते हैं, नमिता नाम है आपका, तो आपके परिवार का है पति बच्चे? आप अपने पति का नाम बताइए। पति पति बच्चे आपके? सागर का नाम है। सागर? गांव कौन सा है आपका? गांव पदमपुर है। ऊंचा बोलिए थोड़ा सा। पदमपुर। पदमपुर? अच्छा उधमपुर नहीं, पदमपुर। तो कहाँ पढ़ता है, जिला कौन सा है? बांग्लादेश। बांग्लादेश पढ़ते हैं? अभी बांग्लादेश बोल रही है। तो आप यहाँ कैसे आ गए? यहाँ कैसे आ गए? गाड़ी से आया, दूल्हा ले। गाड़ी से? ट्रेन में आए? नहीं, बस में। बस मुझे टैक्सी से आया। तो सब क्या लग रहा है, महिला कुछ है? थोड़ा सा डिप्रेशन नहीं, ऐसा तो लग रहा है मानसिक थोड़ी सी है, लेकिन क्योंकि अपने बारे में जब इतना नहीं बता पा रही है तो जानकारी नहीं दे पा रही है। तो आपके माध्यम से ये अपील है कि कोई भी व्यूअर्स और फॉलोअर्स अगर जानता हो तो कृपया इसको कमेंट बॉक्स में डालें। आईडी वगैरह कुछ नहीं मिली है, आप या तो थाना सिविल लाइन से संपर्क कर सकते हैं, नहीं तो अपना आशियाना आश्रम की हेल्पलाइन से संपर्क कर सकते हैं। हमारे साथ हमारे सेवादार श्री पाल जी और अनु मैडम खड़े हैं। प्रभु से यही प्रार्थना कि इसको इसका परिवार जल्दी मिले, नहीं तो अपना आशियाना आश्रम में। तो बता दें थाने से हमारे साथ पूनम जी यहाँ पर पहुँची हुई हैं, उनसे बातचीत हम करेंगे, और साथ साथ बता दें मौके पर अधिकारी भी हैं। सर क्या कुछ बताना चाहेंगे, ये महिला कितने दिन पहले मिली थी? और दुर्गा शक्ति को 4-5 दिन पहले रात के करके 2 बजे के करीब मिली थी। ठीक है। वो उन्होंने वन स्टॉप सेंटर में छोड़ दिया था। हमने पूछताछ करी, इसका नाम पता वगैरह कोई रिस्पांस नहीं दिया, तो हम वही अपना आशियाना में लेके आए इसके। इन फ्यूचर में अगर इसके बारे में कुछ पता चल जाए, इससे कोई बैग या कोई ऐसी चीज़? कोई चीज़ नहीं, कुछ भी नहीं मिला, कोई आईडी नहीं मिली, कोई आईडी नहीं, कोई आईडी नहीं। महिला ने कुछ बताया नहीं, कुछ नहीं बताया, सिर्फ एक नाम बता रही है, कभी लतिका कभी कनिका कुछ ऐसा ही नाम। अच्छा नाम बदल रही है अपना। बता दें अभी भी जो देख सकते हैं जो मौके पर जो अनु मैडम है अपना आशियाना से, वो भी बातचीत कर रही है। नमिता। अच्छा घर कहाँ है? मारा। कौन सा जिले में रहते हो? इधर रहती हूं। कहाँ पे? बता दो घर छोड़ के आना आपको। बताओ घर जाना है ना? ना जाना। क्यों?
यहाँ रहना, यही रहेंगे हमारे पास, मेरे पास रहोगे? क्यों, मैं अच्छी लगी हूँ? क्या कुछ कहेंगे मैम? बातचीत कर रहे हैं, काफी खुश भी हैं, लेकिन साथ साथ उनके घर तक तो पहुँचाना बहुत जरूरी है, क्या कुछ कहेंगे? ये तो थोड़ा सा हंसी का एक कारण बना, अन्यथा अपना आश्रम जो कि हर समय इस तरह से मानवता की सेवा करते हैं, इस बहन को इनके घर तक पहुँचाना है आपके चैनल के माध्यम से IBN के 24 के, कि इनको सभी व्यूवर से अपने यही रिक्वेस्ट करते कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर अवश्य करें, ताकि ये बहन अपने घर परिवार तक पहुंच पे। अपना नाम नमिता बता रही हैं, और पहले ये मुझे इन्होंने बताया था कि मेरी शादी नहीं हुई, लेकिन अब कह रही हैं कि पति का नाम सागर है, और जैसे उधमपुर हाँ। उधमपुर के रहने वाले? पदमपुर। कहाँ पर पड़ता है ये? इधर है, पड़ता इधर। कहाँ? पदमपुर की बता रहे हैं। तो इनके घर तक इस वीडियो को जाना बहुत ज़रूरी है, ताकि ये अपने घर परिवार तक पहुँचे। अपना आशाना आश्रम, जिसका हेल्पलाइन नंबर रहता है 9416111073। मैं अपने पूनम मैम, हेड कांस्टेबल हैं, सर हैं मॉडल टाउन चौकी से, इन सबका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने इन्हें यहाँ तक पहुँचाने का कार्य किया। बिल्कुल, आपको बता दें तो यहीं पर जो है महिला रहेगी जब तक उसके घर का पता नहीं चल जाता। अपना शाना आश्रम लगातार ऐसे लोगों को जो है अपने साथ यहाँ रखता है, उनकी सेवा करता है। हालांकि महिला से बात जरूर करेंगे। बच्चे हैं आपके? बच्चे नहीं हैं। तो घर पर क्यों नहीं आप रहे, यहाँ कैसे आ गए, यहाँ क्यों आए? पति के साथ नहीं रहते हो आप? पति के साथ रहते हो? रहते ना, ये विदा होने का है। नहीं, अब पति अच्छे से रखता है? अब गए ना है तो मैं कहाँ पता कैसे रखता है? बताओ जल्दी से बताओ, पति है? हाँ, प्यार रहा। शादी हुआ हुआ है? हाँ, शादी हुआ हुआ है। कहाँ है पति घर, कहाँ रहते हैं वो, कहाँ पर रहते हैं बताओ? आपके बच्चे हैं? आपकी मम्मी पापा, आपके माता पिता, भाई बहन है? नमिता बताओ, आपके माता पिता हैं? माता पिता है। कहाँ पर रहते हैं वो? कहाँ रहते हैं? मैं आज बांग्लादेश रहते। अच्छा, पिताजी का क्या नाम है? साधु। और माता जी का? पार्वती। पार्वती, ये पहले भी पार्वती बताया था मेरे को। माता जी का नाम पार्वती, पिता का नाम क्या? कालू बताया। कालू बांग्लादेश बता रही है। बांग्लादेश बता रही है। साधु। क्या नाम है पिता का? साधु। पिता का नाम है? साधु। साधु साधु साधु। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जानकारी महिला दे रही हैं, लेकिन कुछ डिप्रेस्ड जरूर लग रही हैं। हालांकि अपना शहना आश्रम बता दें तो ऐसे ही लोगों को जो है बता दें उनसे बातचीत करता है, कुछ दिन यहाँ रहेंगी, हो सकता है हालत में और अच्छा सुधार हो तो महिला और अपने बारे में जानकारी दे पाए। आप इस वीडियो को शेयर कीजिए। अपना शहना आश्रम लगातार जो है करनाल शहर में किस तरीके से दूर दूर से लोगों को जो है यहाँ पर लाता है। सर, आपको क्या कुछ कहेंगे? लगातार अपना शहना आश्रम भी प्रयास कर रहा है महिला किस तरीके से अपने घर पहुँचे, क्या कुछ व्यूअर्स से कहना चाहेंगे? अपना आशियाना आश्रम एक ऐसा पवित्र धाम है जिसमें जो भी व्यक्ति आया और वो आने के बाद यहाँ उसकी सारी कठिनाइयाँ भगवान भोले बाबा पूरी कर देते हैं, और ठीक करने के बाद अब ये भगवान जी ने चाहा तो बहुत जल्द यहाँ खाना पीना खाने के बाद, दवा के बाद, और आप सब की दुआ इनको मिलेगी, और उस दुआ से ये बहुत जल्दी अपने घर जाएंगी। और इसमें मैं IBN 24 का तहे दिल से धन्यवाद तो करता ही हूँ, और आप हमारी कड़ी के साथ कड़ी जोड़कर हमारा साथ देकर अपना आशियाना की एक मेंबर के साथ काम कर रहे हैं, हम तहे दिल से आपका धन्यवाद करते हैं। जय हिंद। बिल्कुल, और आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, और साथ साथ देख सकते हैं जो बता दें पुलिस भी लगातार जो है अपना शियाना आश्रम के साथ जो है संपर्क बनाए हुए हैं, ऐसे जो भी लोग मिलते हैं उन्हें यहां पर जो है रेस्क्यू करने के बाद यहां पर देख सकते हैं अपना शियाना आश्रम में लाया जाता है। अभी महिला को यहीं पर रखा जाना है, और जब तक परिवार नहीं मिल जाता तब तक महिला यहीं पर रहेगी। आप सभी से निवेदन, वीडियो को शेयर करें, और अपना शियाना आश्रम में भी आप संपर्क कर सकते हैं, या फिर सिविल लाइन जो थाना है वहां पर करनाल से जो है आप संपर्क कर सकते हैं। और साथ ही साथ जो है इस वीडियो को आप शेयर करते हैं, परिवार जो है महिला का जरूर मिल जाएगा, क्योंकि महिला की फिलहाल हालत यहां पर लगभग ठीक है। वो अपने परिवार के बारे में बता रही है, और अपने माता पिता का नाम बता रही है, और बांग्लादेश का नाम यहां पर जरूर बोल रही है, और यूपी बिहार साइड की अपनी जो भाषा है वो फिलहाल उसका इस्तेमाल जरूर कर रही है। लेकिन अभी बहुत सारी चीजें हैं जो आगे जाकर साफ हो पाएंगी। आप सभी से निवेदन, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। फिर से जुड़ेंगे IBN 24 के ऊपर, तब तक के लिए जय हिंद।